बनाएंगे। ये एक मतलब हाउस वाइफ का ना ये एक बड़ा हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ मेरा जो जीरा का पानी, और इसमें ना मैं डाल दूँगी अदरक का जो ये ग्रेट करके डाल दूँगी। तो इसको ना मैं उबालने के लिए रख दूँगी गैस के ऊपर, और उसके बाद ना मैं और भी इस मतलब इसके अंदर और कुछ डालना है मुझे, तो आगे आप लोग को पता चल जाएगा क्या क्या डालूँगी। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और अभी मॉर्निंग का टाइम है और रात को ना इतना बारिश हुआ था कल इधर ना, अभी टाइम हो गया है केरला में मतलब रात को बहुत जोर से बारिश होगा, और धूप नहीं बस अभी तक तो धूप नहीं हुआ है, बादल बादल करके रखा है, लगता है बारिश कभी भी हो सकता है। तो मैं ना इसको बैठा के थोड़ा सा मतलब गर्म पानी जो गुनगुना सा उसको पी लिया हूँ, और अभी ये भी मेरा बॉईल हो चुका है तो इसको मैं छान लूँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी जो काला नमक और हनी और डालूँगी नींबू का रस, ये तीनों चीज़ डाल के इसको मैं पीऊँगी अभी। तो 32 बार जब से मैं स्टार्ट की हूँ ना, मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है, और पहला तो मेरा वेट लॉस हो गया, और उसके बाद दूसरा है जो ना मेरा जो खांसी ना, खांसी बिल्कुल भी बहुत सारे दवाई खाने के बाद भी मेरा खांसी कम नहीं हो रहा था, और ये जो पानी मैं ले रही हूँ ना, खास करके जो नींबू डाल के अदरक भी मैं जो डालती हूँ उससे बहुत फ़ायदा मुझे होता है। और आपको तो पता होगा जो नींबू और जो हनी होता है उसमें तो बेली का फैट तो पक्का ही कम होता है, और इसीलिए मैं इसको मैं रोज़ लेती हूँ। कभी कभी मैं इसके अंदर अजवाइन भी डाल देती हूँ, और आज मैं जीरा डाली हूँ। सच बोलूँ तो 32 बार को ना मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, और ये ना मेरा मतलब लाइफ ही बदल दी है। ये जो 32 बार होता है ना, इससे आपको ना जिम जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये जो जिससे इसमें मतलब वेट लॉस होता है। मैं तो बोलूँगी जो भी नहीं किए हो अभी से स्टार्ट कर दो जल्दी से। तो अभी ना जो पानी में लेके बैठी हूँ वो बहुत गर्म है, इसलिए मैं उसको थोड़ी ना मतलब ठंडा करके पीऊँगी, मतलब जब पूरा ठंडा नहीं, बस हल्का हल्का ठंडा, मतलब जितना मैं पी सकूँ उतना ही पीऊँगी, और उसके साथ मेरा मिष्टी के साथ भी मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है, बस यही मस्ती मतलब दोनों का माँ बेटी का मस्ती चल रहा है इधर। सभी बारिश ही होने लगा है, देखिए बंदा बंदा करके स्वागत है। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो, आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग भी बढ़िया है, और मैं अभी नहा कर आई हूँ और मिष्टी को भी नहा दूँगी, और मैं थोड़ी सी पहले ब्रेकफास्ट कर दूँ, और मैं मतलब आज ना बुधवार को हस्बैंड का हाफ डे रहता है, और वो भी आ जाएंगे 2 o'clock तक आ जाएंगे घर, और उनको भी मतलब मुझे भी लंच भी बनाना है जल्दी में, जब भी लंच बनाना मतलब होता है ना हर दिन सोचना पड़ता है क्या बनाएंगे। ये एक मतलब हाउस वाइफ का ना ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, और इस वजह से मैं भी वही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँगी, तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी। आज तो बार है तो देखते हैं, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज क्या है
बोल क्या तो अभी ना 10:15 हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ अभी। मैं ब्रेकफास्ट पहले कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा ज़्यादा। तो 32 बार फार्मूला के साथ, तो हाँ हम लोग अभी मतलब मैं ना 32 बार फार्मूला के साथ अभी चल रही हूँ, तो मेरा तो सारे मतलब रूटीन भी गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो मैं पूरा टाइम बाई टाइम सब कुछ कर लेती हूँ। तो चलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग के साथ आके मिलती हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं मिष्टी को निला दूंगी और उसके बाद जाके बनाऊंगी मेरा जो लंच। मिष्टी का नाना हो गया और वो देखो पूरा थोड़ी सी काजल लगाई और क्रीम लगाई और अभी जाके वो भगवान जी से प्रेयर करेगी। चलो भगवान जी से प्रेयर कर दो। चलो फ्रेंड्स, मेरा सोचना मतलब हो गया। देखिए बना रही हूँ आज एक करी और ज़्यादा सोचते सोचते लास्ट में ये हो गया, मेरा लास्ट का ऑप्शन था एक। ये जल्दी बन जाएगा, तो इसीलिए मैं बना ली आज एक करी। और मिष्टी के लिए तो बॉयल एग है और उसके लिए थोड़ी सी दाल भी बनाई हूँ, वो चावल और दाल और बॉयल एग खाएगी और हम लोग चावल और ये एक करी खाएँगे। तो मेरा लंच बन गया है और अभी ये हस्बैंड ने लेके आए थे मैंगो और इसको मैं थोड़ी सी पानी में रख दूंगी खाने के टाइम। इसको कट करेंगे और खाएंगे। थोड़ा इसमें पानी में डाल के इसको रख देती हूँ। मेरा लंच बन के रेडी हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ और बैठ बैठ के हस्बैंड को वेट करूँगी। वो आने के बाद जाके खाएंगे। तो अभी मैं थोड़ी सी, मैं ना सुबह ये बादाम मतलब रात को भिगो देती हूँ और सुबह मैं खा लेती हूँ, और कल रात को मैं नहीं भिगोई थी डालने के लिए, पानी में भूल गई। और बस ये मैं सुबह मतलब उठ के इसको पानी में डाल दिया था और अभी मैं जा रही हूँ, अभी बैठ के थोड़ी सी एक दो खा लूँगी और मिष्टी को भी थोड़ी सी खिला दूँगी। ये बादाम मैं सुबह ना मॉर्निंग में उठकर पहले इसको भिगा दिया था, देखो आराम से छिलका निकल रहा है। तो चलिए मैं इसको खा लेती हूँ अभी। और ये ना मॉर्निंग में मतलब मैं दो खा लेती हूँ, दो बादाम, और हस्बैंड भी वो भी दो खा लेते हैं। तो मैं ये सूखा मतलब ये ना खाली खाने से अच्छा नहीं है, इसको मतलब रात को जब भी खाओ इसको भिगा कर खाना है, पानी में डालना है और सुबह मैं खाती हूँ इसीलिए। और मैं कल रात को भूल गई थी तो मैं इसको छिलका निकाल देती हूँ। मतलब आज ना इतना मौसम अच्छा है, मतलब धूप भी बिल्कुल नहीं है लेकिन गर्मी हो रहा है, लगता है फिर से मतलब रात को फिर से बारिश मतलब होगा फिर से। टेस्टी जो भी चीज़ दो खाने के लिए ना सब कुछ बोलता है टेस्टी।
सब कुछ टेस्टी है। अब कुछ खाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी मतलब वीडियो को कंटिन्यू करूँगी आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ लंच के टाइम में। हस्बैंड को आने दो, उसके बाद। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड तो आ गए थे और मेरे लंच भी रेडी कर दिया हूँ और हम लोग अभी खाएंगे, क्योंकि ना ये मतलब लेट तो हो चुका है, क्योंकि ना 2 तो बज गया। और मिष्टी को भी खिलाऊंगी और ऊपर से मैं भी खाऊंगी, वो भी 32 बार के साथ। और 32 बार खाने से तो लेट तो होता है ना, और इसीलिए मैं स्टार्ट कर दिया हूँ खाना। तो चलिए हम लोग अभी खाते हैं और बातचीत भी चल रहा है खाने के टाइम, और हस्बैंड का फीस में आज क्या क्या हुआ वही बात बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं अभी तो खाना खा रहे हैं और चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ इवनिंग के टाइम में। तो फ्रेंड्स अभी उठ गए हम लोग, सो गए थे लंच करने के बाद, और अभी उठे और हस्बैंड गए हैं बाहर पानी लेने के लिए। और ये देखो अभी शाम का मतलब 6 बजने वाला है शाम का। तो मिष्टी यहीं पे सारे टॉय खिला के रखी है, तो उसको वो मैं बोली कि खुद उठा ले, वो उठा रही है सारे, पूरा साइज करके रखो जैसे मामा रखती है। तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी सी मतलब चाय बना लूँगी, और हस्बैंड आने के बाद हम लोग थोड़ी सी चाय नाश्ता कर लेंगे। सारे टॉय ऊपर रखो, चलो रखो। रख रही है यार, कभी कभी मैं बोलती हूँ उसको रख दे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंगो लेकर आए हैं इसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी हम लोग बचपन में इसको कैसे खाते थे। इसको देख के ना बचपन का याद आ गई, ये जो कच्चा आम कैसे खाते थे बचपन में। तो मैं बना रही हूँ यहीं पे अदरक वाली चाय, और ये पूरा स्पेशल चाय हस्बैंड के लिए आज मैं बनाई हूँ। कभी कभी वो पीते हैं, रोज नहीं, बस कभी कभी। तो फ्रेंड्स देखिए, चाय बिस्किट हम लोग कभी खा रहे हैं, बिस्किट और उसके साथ चाय। तो मैं ना आज यहीं से सोचती हूँ कि ब्लॉग को एंड कर दूँगी, और क्योंकि ना नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आए होंगे। तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना। तो जो भी न्यू हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।